हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हमारे यहाँ आलू की बुआई हो रही है, तो आलू बो लेने के बाद ही मैं आज की रेसिपी बनाऊँगी। ये काम कर लेने के बाद ही आज की रेसिपी मैं बनाऊँगी। काम को ख़त्म कर लेने के बाद मैं घर आ चुकी हूँ। तो ये हमने आलू उबाल कर रख लिया है, अब मैं इसका छिलका उतार कर सबसे पहले रख लूँगी। आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत ही टेस्टी है, इसको एक बार घर में आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू को हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। आलू को हमने हाथों से फोड़कर उसे मैश कर लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं पराठा। तो पराठा बनाने के लिए हमने लिया हुआ है, ये हमने मैश किया हुआ आलू लिया हुआ है, और ये हमने टमाटर लिया हुआ है, इसको हमने बारीक काट लिया है, और ये हमने पत्ता गोभी लिया हुआ है जिसे हमने बारीक काटा हुआ है, और ये हमने सफल मटर लिया हुआ है, और ये हमने शिमला मिर्च लिया हुआ है जिसे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा हुआ है। और ये हमने लिया हुआ है गोभी जिसको हमने बारीक घिस कर रखा हुआ है, और ये हमने प्याज लिया है इसे भी बारीक काटा हुआ है, और ये हमने अदरक का पेस्ट बना लिया है, और ये हमने लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है, हरी धनिया की पत्ती इसे भी हमने बारीक काटी हुई है, और मसालों में हमने लिया हुआ है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमने लिया हुआ है गरम मसाला, और ये हमने लिया हुआ है धनिया पाउडर, और ये लिया हुआ है हमने अमचूर पाउडर, ये मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। अब हम इसमें डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल, 3-4 चम्मच इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी और इसे डालकर अच्छे से मिला लूँगी। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथकर तैयार करेंगे। अब मैंने आटा गूंथकर तैयार कर लिया है। आटे को 10 से 15 मिनट के लिए अब हम ढककर रख देते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई हमने रख ली है, अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने भून लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं सफल मटर। सफल मटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अंदर तक ना हो जाए। सफल मटर के साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा मटर अंदर तक पक चुका है, अब हम इसे पलटे की सहायता से थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पलटे की सहायता से मटर को हल्का सा मैश किया है, इससे क्या होगा कि हमारे पराठों का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। मटर को हमने हल्का सा मैश कर लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च
और शिमला मिर्च को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेते हैं और थोड़ा सा पका लेंगे हल्का सा। आप देख सकते हैं मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को ज़्यादा पकाया नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, जो मैंने मसाले लिए हुए थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर, मटर और शिमला मिर्च के साथ ही मसालों को भी साथ में पका लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को डालने के बाद जो हमने फूल गोभी को घिस कर रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसे भी हल्का सा पका लेंगे। यदि आपको कोई और सब्जी पसंद हो तो उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप यदि इस तरह से पराठों की स्टफिंग तैयार करेंगे तो आपके पराठों की तारीफ किए बिना कोई नहीं रहेगा। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं। पत्ता गोभी और गोभी को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को भी बस हम हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे। प्याज हमारा सब्जियों में मिलाते मिलाते ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मैस किया हुआ आलू। और इसमें अब डाल देते हैं हम धनिया की हरी पत्ती। अब हम इसमें सबसे लास्ट में डाल देते हैं अमचूर पाउडर और इसको डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिला लेंगे। ये देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। पराठे की स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हम लोई बना लेते हैं। तो जो हम आटा की लोई बनाएंगे ये हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे एक चकई की तरह बना लेंगे, यानी इसे एक कटोरी की तरह शेप बना देंगे। ये देखिए हमने लोई को एक कटोरी की तरह बना लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा भरूंगी, आप कम भी ले सकते हैं। अब हमें इसे चारों तरफ से बंद कर लेना है, हल्के हाथों से इसे हमें दबाते हुए अंदर को इसे भरना है और हमें इसका एक्स्ट्रा आटा जो है बाहर निकाल लेना है। तो हमने आटे में स्टफिंग को भर लिया है तो इसे हम फिर से एक चकई की तरह बना लेंगे ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो चारों तरफ फैल जाए। हाथों से पराठों को थोड़ा दबा लेने के बाद चौके पर हम सूखा आटा डालेंगे और पराठे को उस पर रखेंगे और हथेली की सहायता से चारों तरफ पराठे को बराबर कर लेंगे। अब हम पराठों को बेलन से बेलकर इसे बराबर कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। पराठा हमारा हल्का सा एक तरफ सिक जाए तो उसे हम पलट देंगे। पराठे को हम थोड़ा नीचे से भी पका लेते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं रिफाइंड ऑयल।
रिफाइंड ऑयल को हम पराठे पर चारों तरफ फैलाकर लगाएंगे। एक तरफ हमने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, अब हम पराठे को पलट देंगे। अब हम इसके दूसरी तरफ भी रिफाइंड ऑयल को अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें पराठों को हल्की आंच में पकाना है ताकि हमारे पराठे धीरे धीरे अंदर से फूलते हुए आएँ। पराठों को हमें दोनों तरफ से उलट पलट कर सेकना है। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से फूले हुए हैं। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दोबारा पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप यदि इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनेंगे और बहुत ही बढ़िया पराठे बनेंगे। आप एक बार घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको यदि हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।